स्टार्ट करने वाले हैं हम और लर्न करेंगे कुछ चीज़ें, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो और भी ठीक है। मतलब इट वॉज लाइक क्वाइट नाइस, ठीक है। ट्रांसलेशन, आपको शुरू में बता दिया गया था कि डीएनए है, डीएनए से बनता था क्या भैया, डीएनए है, डीएनए से बनता था आरएनए और आरएनए से बनता था प्रोटीन, ठीक है। और ये आरएनए कितने तरीके के होते थे यूकैरियोट में, यूकैरियोट में ये तीन तरीके के होते थे, मतलब मेजर जो प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये जो होते हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। और तीनों के तीनों जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तीनों के तीनों जो पाए जाते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। दिस पर्टिकुलर डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना जो है यही फिनोमेना कहलाता है ट्रांसलेशन, यही फिनोमेना जो कहलाता है वो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहलाता है एमआरएनए से, ट्रांसलेशन जो है वो आरएनए से प्रोटीन का बनना। और वो इन सब चीज़ों का अलग अलग काम होता है, मतलब एक एक आरएनए का एक एक अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब अगर हम बात करें तो एमआरएनए के पास एक्चुअली जो होता है उसके पास होता है जेनेटिक कोड, एमआरएनए के पास क्या होता है जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड जनरली ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के, यानी मेड अप ऑफ थ्री बेस पेयर, कितने के, मेड अप ऑफ थ्री बेस पेयर के होते हैं। जो कोडॉन्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं। एमआरएनए का फंक्शन होता है इसके पास कोड होता है, इस कोड को रीड करना, ठीक है, इस कोड को रीड करना किसका काम होता है अगर हम बात करें टीआरएनए का, तो टी इसके पास, एमआरएनए के पास जो था जेनेटिक कोड, या वी से इट एज अ कोडॉन, हम इसको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। और टीआरएनए के पास इसी का उल्टा फॉर्म होता है एंटी कोडॉन, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन इस कोड को रीड करेगा और ये जो है अमीनो एसिड को जोड़ेगा, अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेशन जो काम करेगा वो यही काम करेगा, कौन, दैट इज टी आर एन ए लेके आएगा किस पर्टिकुलर कोड के लिए कौन सा अमीनो एसिड। बिकॉज देखिएगा प्रोटीन जो होता है ये बना होता है अमीनो एसिड से और ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से, ये अमीनो एसिड से। तो दिस इज द केस कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने अमीनो एसिड, यानी कि थ्री न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक कोडॉन बनता है, थ्री न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक कोडॉन बनता है और उससे बनता है एक अमीनो एसिड, उससे मिलके बनता है एक अमीनो एसिड। जस्ट फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड AUG कोड फॉर मेथियोनिन, जो कि स्टार्टिंग कोडॉन होता है, मेथियोनिन है, ठीक है। तो इस AUG, ये AUG जो क्या है, ये पाया जा रहा होगा mRNA पे, AUG के बदले हमें मेथियोनिन जोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि हमें मेथियोनिन जोड़ना है, ये बताता है आपका tRNA, एंटीकोडॉन। और एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा अमीनो एसिड, दूसरे के बाद तीसरा, ये सारा का सारा जो होता है कौन काम करवाएगा, दैट आरआरएनए, आरआरएनए जो होता है इसी के पास पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक के बाद दूसरे का जोड़ना, ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है, इसके पास प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो सी दिस इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर आरएनएस इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे के सारे आरएनएस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा और भी आरएनएस होते हैं, siRNA, miRNAs, hnRNAs, hno, snoRNAs, डिफरेंट लाइक आरएनएस इज देयर, बट जो मेजर इन्वॉल्व होते हैं वो आपके यही इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, mRNA, tRNA एंड राइबोसोमल आरएनए। यानी थ्री कोडॉन से आपने देखा था कि पूरा का पूरा जो है वो एक अमीनो एसिड बन रहा है। सो फॉर लाइक अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कितने बेस पेयर रिक्वायर्ड होंगे, कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सो इतना अमीनो एसिड है, इतना मॉलिकुलर वेट है, तो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। अगर आप कभी कभी पूछा जाता है आपसे, नॉर्मली ये पूछ दिया जाता है कि अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, जब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये बायोकेमिस्ट्री में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे कि आपने देखा थ्री बेस पेयर या थ्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अमीनो एसिड,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान हो जानी चाहिए। थ्री न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन अमीनो एसिड, ठीक है। सो कभी कभी ये पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट जो है वो आपका है नॉर्मल पूछा जाए, सो दैट शुड बी 110 किलो डाल्टन है। व्हाट शुड बी द नंबर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस न्यूक्लियोटाइड, कितना साइज का ये बेस, ये जीनोम होगा जो कि ये प्रोटीन बना रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड या जीन कुछ भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। नाउ देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालना पड़ेगा। अगर मॉलिकुलर वेट दिया है, आपको पता है हाउ यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो दैट सिंगल अमीनो एसिड का एक बेसिक मॉलिकुलर, अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सिंगल अमीनो एसिड रेजिड्यू का एक बेसिक मॉलिकुलर वेट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था 110 डाल्टन होता है, 110 डाल्टन रेजिड्यू का जो पेप्टाइड बॉन्ड में होता है। सो उसके हिसाब से नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होने चाहिए, दैट टोटल मॉलिकुलर वेट 110 किलो डाल्टन को पहले करो 10^3 डिवाइडेड बाई 110, ये हो जाएगा। सो नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज 1000। इफ इट इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड 1000, सो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड शुड बी 3 × 1000, 3 गुना हो जाएगा, दैट इज 3000। तो ये जीनोम का बेस पेयर होगा 3000 बेस पेयर। कभी कभी यहाँ पे स्टॉप कोडॉन का इन्वॉल्वमेंट भी पूछ, मतलब एक तरीके से लॉजिकल होता है कि अगर एक ORF बन रहा है, ओपन रीडिंग फ्रेम बन रहा है, ठीक है। सो जब नॉर्मली पूछा जाता है ओपन रीडिंग फ्रेम, ध्यान देना कि ये प्रोटीन मॉलिकुलर या इस तरीके से, तो जब आपसे टोटल न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए और ORF पूछा जाए, देयर इज टू टर्म, लेट मी टेल यू, ठीक है। टोटल जीन एंड दैट ORF ओपन रीडिंग फ्रेम, तो ध्यान देना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल जीन एंड इस, टोटल जीन में हो जाता है ORF प्लस 3 एंड दिस इज एक्चुअली ORF जो हम कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब है जीन विदाउट स्टॉप कोडॉन, इसमें कोई स्टॉप कोडॉन नहीं होता, लेकिन जब हम प्रोटीन रोकेंगे कहीं पे तो उसके लिए एक 3 बेस पेयर का स्टॉप कोडॉन तो चाहिए ना, नॉर्मल टोटल, बिकॉज ये प्रोटीन बनता चला जाएगा, हम कैसे बोलेंगे कि ये 110 किलो डाल्टन पे रुका हुआ है। सो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आइदर क्वेश्चन में देख लेना, अगर वो ORF को पूछ रहा है, अगर दिस इज लाइक ORF को पूछ रहा है, तो ORF शुड बी लाइक यहाँ पे देखिए 3000 होगा, बट अगर ये पूछे कि व्हाट शुड बी द जीन, पूरा का पूरा DNA का सेगमेंट क्या होगा या इस तरीके से, सो दैट शुड बी 3003, क्योंकि उसमें एक जो है 3 बेस पेयर का स्टॉप कोडॉन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलो, सो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, यू हैव टू नो अबाउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जैसा कि मैंने बात किया mRNA के पास, तो mRNA के पास जेनेटिक कोड होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट नेचर्स के होते हैं, तो कुछ उस पर बात करते हैं, ठीक है। सो जेनेटिक कोड, जैसे कि आपको बताया गया था, दिस इज जेनेटिक कोड दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द लिविंग सेल्स, ये जो होते हैं यूज्ड बाय द लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनकोडेड विद इन जेनेटिक मटेरियल, जनरली जो होते हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। जेनेटिक कोड इन टर्म्स वी यूज फॉर द वे दैट 4 बेसिस ऑफ DNA ACGT, ये जो होते हैं ये कैसे 3 बेस पेयर में अरेंज होते हैं। सेलुलर मशीनरी राइबोसोम्स जो होते हैं, दे आर यूज फॉर सेलुलर मशीनरी, कैन रीड देम एंड टर्न इन टू देम द प्रोटीन। अगर आपके पास देखे कि 3 बेस पेयर जो कोडॉन पाए जा रहे थे, मैंने बोला कि 1st बेस पेयर, ठीक है, 2nd न्यूक्लियोटाइड और 3rd न्यूक्लियोटाइड। सो वेन यू सी दैट, इसमें जो है अगर आप देखेंगे कि 4 बेस पेयर, वाई लाइक 3 ही क्यों होता है, क्यों 1st नहीं होता, क्यों 4 नहीं होते, क्यों 2 नहीं होते, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, वाई दिस इज द 3 बेस पेयर, क्यों बेस पेयर ऐसा होता है। बहुत सिंपल सा फंगा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, बट नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू, ठीक है। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जेनेटिक कोड, जब हम जेनेटिक कोड के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए अगर मैं मानता हूँ 1 बेस पेयर है, ठीक है, 1 बेस पेयर का कोडॉन है, 1 बेस पेयर का कोडॉन है, तो यहाँ पे ये जो है पॉसिबिलिटी है कि 4 आ सकता है, यहाँ पे होगा 4^1,
या 4 to power 1 क्यों, क्योंकि ATGC चार ही आ सकते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल टोटल आपके पास कितने बन सकते हैं, दैट इज 4 टाइप ऑफ कोडॉन जो है बन सकते हैं, कितने 4 टाइप ऑफ कोडॉन। अगर ये 2 बेस पेयर का कोडॉन होता तो देखो पहले मतलब अगर मैं एक ये है एक ये है तो एक 4 की प्रोबेबिलिटी इसमें भी होती, 4 की प्रोबेबिलिटी इसमें भी होती, मतलब 4 to power 2 दैट शुड बी लाइक 16 कोडॉन। अगर 3 बेस पेयर के ऊपर बात करते हैं तो देखिए ये है 1 बेस पेयर, दूसरा तीसरा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 4 है, इसकी भी 4, इसकी 4 क्यों, क्योंकि चार में से एक, चारों में से कोई भी आ सकता है ना, तो ये 4 4 है तो इसमें हो जाएगा 4 to power 3 एंड दैट शुड बी 64। अगर हम 4 बेस पेयर करेंगे देखिएगा तो ये हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो ये हो जाएगा 4 to power 4 और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 256। अब बात करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने होते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के ऊपर बात कर रहे थे तो वी हैव द 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। अगर 4 कोडॉन है तो वो 22 को कैसे सिंथेसाइज करेगा भाई, क्योंकि एक एटलीस्ट 22 तो चाहिए ना मिनिमम, जो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को बनाए, तो ये तो कर नहीं पाएगा। सिमिलरली सेकेंड जो है इट इज 2 लो, ये जो हो जाता है 2 लो है, इट इज ऑल्सो 2 लो, 22 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। एंड दिस फोर्थ वन इज 2 हाई, देखो हमें 22 ही चाहिए लेकिन 256 कोडॉन लेके क्या करेंगे, तो 64 इज द की जहां पे कि हमारा 22 प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है, मतलब कि मोर देन 1 कोडॉन, ध्यान देना, मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड, मोर देन 1 कोडॉन कैन कोड फॉर सिंगल अमीनोसिड, एक से ज्यादा कोडॉन एक सिंगल अमीनोसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन 1 कोडॉन जो है वो 2 अमीनोसिड को कोड नहीं कर सकता, ठीक है। 1 कोडॉन जो है नॉर्मली अगर बोला जाए तो इस तरीके से ये मोर देन 1 कोडॉन यूज कर सकते हैं, बट सिंगल अमीनोसिड या 1 कोडॉन अगर हम बोले तो 1 कोडॉन कैन नॉट कोड फॉर 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड्स के लिए नहीं कोड कर सकता, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो हमें कितने चाहिए, हमें 3 बेस पेयर जो हमारा डिजायर्ड वन था, 3 बेस पेयर का कोडॉन आपको मिल गया था, इसीलिए 3 बेस पेयर के लिए चलते हैं। देखिए कि कितने कितने लोगों के लिए कितनी कितनी जो है कोडॉन्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, इनके लिए डेसीफर करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, होमोपॉलीमर किया गया था, सिंगल किया गया था, फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंडक्ट करके बहुत सारी चीज़ें की गई थी, बट दोज आर द केसेस जो कि कभी कभी पूछे जाते हैं, बट ठीक है, उनको उतना दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा 2 कोडॉन जो होते हैं सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतने सारे केस को, इनको याद कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। 3 कोडॉन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आइसोल्यूसिन के लिए है, ठीक है, 3 फॉर आइसोल्यूसिन, ठीक है, उसके बाद 4 कोडॉन फॉर एलेनिन ग्लाइसिन प्रोलिन थ्रियोनिन वैलिन, दिस इज लाइक एलेनिन ग्लाइसिन प्रोलिन थ्रियोनिन वैलिन, ठीक है, सो दिस इज समथिंग पीजी वैट, ठीक है, ये हो गया। एंड इसमें जो है आर्जिनिन ल्यूसिन एंड सेरिन, ठीक है, तो ये जो है SARL, ठीक है, सो दिस इज 6SLR, ल्यूसिन सेरिन एंड दिस इज आर्जिनिन, रेस्ट इज 2, बाकी जो है वो 2 है जैसे इसमें। तो यहां ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि बहुत ही सिंपल सा कोड यू कैन यूज इट, That code should be like, ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मैंने तीन अगर हम बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मैंने तीन SLR, DSLR जो होता है, DSLR भी लग सकते हो लेकिन SLR पढ़ना, मैंने तीन SLR के चार साल के साल जो है वो 6 है ना, तो ध्यान देना, मैंने तीन SLR के 6 साल के PG वैट को
चार साल में भरे, ठीक है। मैंने या आई, मैंने आई थ्री साल, थ्री SLR के छह साल के PG वैट को चार साल में भर दिया, ये है, ठीक है। 364 आई SLR PG वैट, दिस इज द कोड, यू कैन यूज इट फॉर दिस पर्टिकुलर, कि किस में कितना है, रेस्ट इज फॉर द टू, रेस्ट जो है वो आपके दो के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। नाउ इसके बाद जो है, देयर इज सम जेनेटिक कोड, जो कि कुछ कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या अलग है क्या नहीं है, तो अलग अलग केसेस में ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देयर इज सम केसेस इन यूनिवर्सल कोड क्या होता है और अल्टरनेटिव कोड क्या होता है। ज़्यादा केसेस में ध्यान रखिएगा कि दिस इज बैक्टीरियल DNA माइकोप्लाज्मा में UGA कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है, लेकिन अल्टर्ड कोड माइक्रो ट्रिप्टोफैन हो जाता है UGA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मल UGA साइटोसोल में स्टॉप होता है, AUA आइसोल्यूसिन होता है, AGA AGG आर्जिनिन होता है, UGA स्टॉप कोडॉन, UGA स्टॉप कोडॉन CGG आर्जिनिन होता है, ठीक है, प्लांट्स के केसेस में। और न्यूक्लियर DNA में जब हम बात करते हैं तो UA स्टॉप कोडॉन, UAG स्टॉप कोडॉन, ठीक है। नाउ ध्यान देना, ये नॉर्मल जो है, अगर स्टॉप कोडॉन के ऊपर बात करें तो ये होता है UAG, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन आपको पता होगा, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट कोडॉन जो होता है दैट इज फॉर मेथियोनिन, इसको हम बोलते हैं AUG, ये है आपका स्टार्ट कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन के बारे में बात करते हैं, बस यू को उठा के आगे कर दो, UAG या UAA या UGA, ठीक है, दिस इज द केस हियर। तो ये है आपका स्टॉप कोडॉन। नाउ अब इन सब के अल्टर्ड कोड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खासकर माइटोकॉन्ड्रिया में जो UGA होता है वो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। UGA जो होता है इवन ईस्ट या ट्रेपेनोसोमा में ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा होता है। और AGG या AGA दैट इज कोड फॉर आर्जिनिन इन नॉर्मल साइटोसोलिक फॉर्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन का काम कर रहा होता है। एंड AUA आइसोल्यूसिन कोड करता है हमारे में, लेकिन ये मेथियोनिन का कोड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स जो मैं इसको एक बार समराइज कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ट्रिपैनोसोमा, अलग अलग DNA, बैक्टीरियल DNA, तो क्या करना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल कोड आपका ध्यान होना चाहिए और नहीं तो लुटिया डूब जाने वाली। कोडॉन्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दिस इज लाइक कुछ कुछ कोड्स, फॉर एग्जाम्पल AUG फॉर मेथियोनिन होते हैं, ठीक है, ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। UGA, UAA एंड UAG दिस इज फॉर स्टॉप कोडॉन, ये जो है स्टॉप के लिए है और ये जो था स्टार्ट के लिए था। नाउ अब ध्यान देना कि इसी में से मैं बात कर रहा हूँ UGA, अगर UGA है तो चाहे जहां भी हो ये भाई साहब ट्रिप्टोफैन को कोड करेंगे। इस केस में अगर एक चीज याद रखना, AUA इज कोड फॉर आइसोल्यूसिन एंड AGA या AGG फॉर लाइक, ये जो कोड करता है ये आर्जिनिन के लिए कोड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द केस, ये कुछ कुछ आपको ध्यान रखने हैं। अब ध्यान रखना खासकर अल्टर्ड वाला, जो UGA स्टॉप कोडॉन है वो किसी भी जगह पे ट्रिप्टोफैन कोड करेगा, बाकी दोनों स्टॉप कोडॉन चाहे UAA हो या UAG हो ये कोड करेंगे ग्लूटामीन को, इसमें ग्लूटामीन को। इसके साथ साथ AGG एंड AGA दिस विल कोड फॉर स्टॉप कोडॉन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड AUA कोड फॉर मेथियोनिन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये अल्टर्ड वन है, अल्टर्ड वन का ध्यान रखना, UGA फॉर ट्रिप्टोफेन ऑलवेज, UAA फॉर ग्लूटामिन, ये है स्टॉप कोडॉन और ये है मेथियोनिन, ठीक है। सो दिस इज लाइक बहुत ही सिंपल सी बात है, GW, ठीक है, ग्लूटामिन, सॉरी दैट WE, ठीक है, V बोल दो, V जो है स्टॉप कोडॉन V की तरफ जाते हैं। V का मतलब सबसे पहला देख लो, UGA को छोड़ दो, यह है W, बाकी दोनों E के लिए, ग्लूटामीन के लिए चले जाते, सॉरी ग्लूटामीन है, VN होगा ना, ग्लूटामीन नॉट ग्लूटामेट, ठीक है, ध्यान देना WN, ओके। सो दिस इज द केस जो कि आपको ध्यान रखना। तो
ये किस अगर आप याद रखे रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात, ये कोड याद रखना, विन कर जाएंगे अगर स्टॉप कोडॉन आपका चेंज हो जाएगा तो ये विन कर जाएगा, डब्ल्यू एन हो जाएगा। सो दिस इज द केस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ जेनेटिक कोड में जैसा कि आपको बताया गया था कुछ कुछ चीज़ें था जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट एस आर एल यूज्ड फॉर 6, आइसोल्यूसिन फॉर दिस, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन फॉर द 1, रेस्ट इज फॉर PGVAT फॉर 4th, एंड इसको कोड भी यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने एक तो कोड बताया था, इसके बाद एक कोड यहाँ पे भी है, आई एम वुमेन सरला 6 लाइक ऑफ 6 फिट गिविंग PGVAT ऑफ 4K, ठीक है, आई एम वुमेन सरला एंड दैट ऑफ 6 फिट गिविंग PGVAT ऑफ 4K, आई का मतलब थर्ड, एम वो का मतलब वुमेन, आई का मतलब जो हो गया 3 हो गया, अकेला था और 1 था, ये था 6 और ये था आपका 4K, तो यू कैन यूज इट फॉर लाइक अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द केसेस जहाँ पे हम बात कर रहे थे, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ कुछ केसेस के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है गलती से यहाँ पे आ गया, इसमें ज़्यादा किडनी में तकलीफ मत कर लेना, ठीक है। सो क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंटीकोडॉन कोडॉन के बारे में है और कुछ आपके जो कुछ सिनोनिमस या डीजनरेसी की बात की जा रही है, तो एंटीकोडॉन में भी इन सब का लिया गया है कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। दीज आर लाइक ये जो है ये आपके अलग पार्ट है, लाइटिक साइकिल एंड हाइब्रिड डीजनेसिस, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट जो कि यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो दीज लाइक ये सारी की सारी चीजें यहां पे बता दी गई थी। नाउ जैसा कि आपको बताया गया था 3 कोडॉन्स पे आ जाते हैं, ठीक है। जब भी 3 कोडॉन्स होते हैं तो ध्यान देना कि इसमें क्या होता है कि एक कोडॉन डी जनरेसी का रोल आता है, कोडॉन डी जनरेसी का रोल आता है। ये अगर नॉर्मली इस चीज को देखे कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है तीसरा दूसरा पहला, ठीक है। सो कैसे है, क्या है, क्या नहीं, उस पर जरा सा बात करते हैं इस चीज के लिए। सो ओके फाइन, हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड कोडॉन्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, कोडॉन्स का और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट वर्बल हाइपोथेसिस या वर्बल बॉन्डिंग के ऊपर बात करते हैं, वर्बल पेयरिंग, ठीक है। सो कोडॉन में जो होता है, एक होता है कोडॉन, कोडॉन को अगर हम इस तरीके से लिखे 5' to 3', तो दिस वुड बी ए यू जी, यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, इस तरीके से है। एंड एंटीकोडॉन शुड बी लाइक, देखिएगा कि मान लो इसके लिए पेयरिंग कौन करेगा, जी के लिए करेगा, ऑब्वियसली बात है सी ए डेट जी यू, ये जो हो जाएगा दिस इज लाइक 5' to 3', यह एंटीकोडॉन, ये क्या है, एंटीकोडॉन है जो कि टीआरएनए का है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, होप कि आपको पता हो, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, ये है टीआरएनए। टीआरएनए एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे पाया जाता है जिसपे इस पर करीब करीब 4 लूप्स होते हैं, बेसिकली 5 लूप्स होते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा, ये है 5', ये है 3', इसमें बेसिकली एक पाया जा रहा है जिसको कि नॉर्मली अगर दिया जाए तो दिस इज डी लूप, दिस इज टी साइज सी लूप, एंड दिस वन इज लाइक एंटीकोडॉन लूप, ये जो है एंटीकोडॉन लूप है, और ये जो है एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म। ये टी आर एन ए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, क्या है, टी आर एन ए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टीआरएनए का ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, इस तरीके से चीजें पाई जा रही है। इसमें ध्यान देना कि ये अलग अलग केसेस पे अलग अलग पार्ट था, इसके कुछ कुछ हिस्से पाए जा रहे थे। जैसे अगर हम टीआरएनए के ऊपर बात कर रहे थे तो टीआरएनए के कुछ हिस्से, पहली बात तो एक्सेप्टर आर्म जो है वो 3' एंड पे पाया जाता है। इसके पास 7 बेस पेयर का स्टेम पाया जाता है, मतलब 7 बेस पेयर का एक की बिट सीक्वेंस पाया जाता है जिसमें सी सी ए एंड पाया जाता है। सी सी ए एक्सेप्टर को उल्टा करके देखो तो सी सी ए हो जाएगा, ए सी सी ए सी सी, ये जो एक्सेप्टर आर्म होता है दिस बाइंड टू द अमीनो एसिड, जो ये पर्टिकुलर टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म होता है, दिस बाइंड टू द अमीनो एसिड, रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड, कॉग्नेट अमीनो एसिड। Now, this like D loop. D loop is like dihydro uridine का बना होता है।
टी साई सी लूप जो बना होता है ये सीडो यूरिडीन का बना होता है। इनका ज्यादातर रोल जो होता है वो स्टेबिलिटी में आता है। एंड लास्ट वन दैट इज एंटीकोडॉन। व्हाट एंटीकोडॉन लूप इज लाइक 5 बेस पेयर स्टेम होता है, 5 बेस पेयर होते हैं जिसमें कि 3 आर कोर एंटीकोडॉन, जो कि 3 कोर एंटीकोडॉन होते हैं। ठीक है, नाउ सो दिस इज द लाइक केस ऑफ दिस, ये सारे के सारे पार्ट है डी लूप, ये टी साई सी लूप, एंटीकोडॉन लूप। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डी लूप का स्ट्रक्चर है, मतलब टी आर एन ए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। डी लूप साइड टी साई सी लूप, एंटीकोडॉन एंड एक्सेप्टर आर्म। नाउ ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे चल रही थी, अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो कि दिस इज लाइक ये कोडॉन है, ठीक है, ये जो है आपका कोडॉन है, ये एंटीकोडॉन है, इस तरीके से चीजें चल रही थी यहाँ पे, दिस इज द केस। ठीक है, नाउ अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कई सारी चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी कि इसमें देखिएगा एंटीकोडॉन में ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, सो दिस इज लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ कोडॉन एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑफ एंटीकोडॉन। ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ कोडॉन एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑफ एंटीकोडॉन, जो कि टी आर एन ए पे है। कोडॉन फ्रॉम एम आर एन ए, एंटीकोडॉन फ्रॉम टी आर एन ए, ये जो होते हैं आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये जो होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैंडर्ड मतलब जैसे जो पेयरिंग होती है वो नॉर्मल उसी बॉन्ड पे पेयर करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब देर इज अ केस जहां पे आपका आता है कि दिस 2, 3, 4, 1, 2, 6, मतलब नॉर्मली ये हो जाता है कि दिस 1, 2, 6, 2, 3, 4, ये लिंक्ड होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें, या 3, 2, 4, इस तरीके से ये प्यूरीन या इस तरीके नंबर जो होते हैं कि ये एडिनिन का या गुआनिन का, ये गुआनिन के 3 पार्ट पेयर होते हैं बेसिकली 3, 2, 4 से, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 6 का 4 से, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बन रहा होता है। ठीक है, नंबरिंग जो आपको प्यूरीन पिरिमिडिन का रिंग का स्ट्रक्चर जो है उसी का ये नंबरिंग है, कौन कौन किस पे बना रहा था। लेकिन इन द केस ऑफ पर्टिकुलरली थर्ड ऑफ द एकोडॉन एंड फर्स्ट ऑफ द एंटीकोडॉन, ध्यान देना, थर्ड ऑफ द एकोडॉन एंड फर्स्ट ऑफ द एंटीकोडॉन, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड। ये जो होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। ये जो होते हैं जो कि वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग को जो हम बात करते हैं, तो ये पेयरिंग जो है क्या है, ये वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग है, वॉटसन एंड क्रिक जो कि पेयरिंग बताई गई थी वॉटसन उसमें के लिए। लेकिन ये जो है दिस पर्टिकुलर केस में यहां पे नॉन स्टैंडर्ड होता है, तो दिस इज नोन एज वबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, वबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो है स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है। वबल बॉन्डिंग अल्टर द स्ट्रक्चर, ऑल्सो अल्टर द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को अल्टर करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा उसको डिकोड करके कर पाता है। तो यहां पे वबल बेस पेयरिंग होती है, ना कि वॉटसन एंड क्रिक हो रही होती है जो कि एक्चुअल में होती है। सो ड्यूरिंग दिस बॉन्डिंग यहां पे एंटीकोडॉन पे जब एमआरएनए ऐसे आता है बाइंड करेगा, सो एक्चुअली में वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे वबल बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, नाउ सो इसके अलावा ये चीजें चल रही होती है, दैट आफ्टर दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। जब हम बात करते हैं तो राइबोसोमल आरएनए भी चाहिए आपको। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं, राइबोसोमल आरएनए इज लाइक ये जो है ये आपका, या बोल सकते हैं राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं ये आरएनए के बने होते हैं प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए जो है जैसे कि कई अलग अलग राइबोसोम्स होते हैं, कई अलग अलग उसमें प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम राइबोसोम्स के बारे में बात करें, तो राइबोसोम्स इज लाइक कि दो अलग अलग तरीके के, अलग अलग मतलब लाइक एक होता है 60S, एक होता है 70S, एक होता है 80S।
55S भी पाया जाता है, वो भी होते हैं। 70S 80S इज मोर कॉमन। 70S टूटता है 30S में और 30S इसमें टूटता है 50S में। 80S टूटता है 40S में एंड ये टूटता है आपका दिस इज 60S में। 30S जो होता है ये बेसिकली पार्ट होता है किसका, 16S राइबोसोमल आरएनए। और ये 50S जो टूटता है ये टूटता है 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। दिस पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ये 23S राइबोसोमल आरएनए जो होता है यही एक कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करता है। दिस शोज द कैटेलिटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोटीन ट्रांसिंथेसिस। कैटेलिटिक एक्टिविटी का नेचर जो होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज शो करेगा। एंड हियर इन दिस केस, इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने की कोशिश करना कि 40S जो होता है वो 18S राइबोसोमल आरएनए का बना होता है एंड 60S इज मेड अप ऑफ 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S एंड उसके बाद 5S, ये होते हैं। यहाँ पे यूकैरियोट में 28S रोल प्ले करेगा। ज़्यादातर 70S प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और यूकैरियोट में 70S भी होता है। ये 70S जो होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं एंड 80S जनरली यूकैरियोट में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी जो है ये शो कर रहा होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी जो है वो शो कर रहे होते हैं। बाकी सब असेंबली में हेल्प कर रहे होते हैं, अलग अलग फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो आरएनए जो होते हैं आपके राइबोसोमल बेसिकली इस तरीके के पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये पूछे जाते हैं राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये आरएनए है इनके साथ साथ प्रोटीन भी मिलके बना होगा, ठीक है। प्रोटीन्स भी पार्ट में रोल प्ले करते हैं और इस तरीके से केस होते हैं। तो ये जो होते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैंने अभी आप तक कुछ प्रोटीन के पार्ट डिस्कस किए, कुछ सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WEDME20 for getting the 20% discount. WEDME, educating India. WEDME, educating India.